नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चांचौड़ा पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहनों के काटे चालान। चांचौड़ा पुलिस ने मात्र 30 मिनट के लिए टू व्हीलर वाहनों पर दिखाई सकती। वाहन चालक पर हेलमेट न होने के कारण काटे 250 रुपए के चालान। जब पत्रकार कवरेज करने के लिए थाने के अंदर गए तो एक पुलिसकर्मी ने पत्रकार शुभम नामदेव को काम करने से रोका और अभद्र व्यवहार भी किया। वहीं सख्ती भी वाहन चालकों की शक्ल देखकर की गई। एक और जहां आम व्यक्ति का चालान काटा जा रहा था, वहीं गाड़ी पर लिखी हुई पुलिस की गाड़ियां बिना हेलमेट के दौड़ रही थी। जहां एक और बिना हेलमेट वालों पर सख्ती दिखाई गई थी, वहीं दूसरी ओर ओवरलोडिंग की गाड़ियां पुलिस के सामने से जा रही थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। चांचौड़ा क्षेत्र में जुआ और सट्टे का कारोबार भी बहुत तेजी से चल रहा है। इसी के साथ गांजे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इस ओर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पुलिस को चाहिए कि पहले नशे की गिरफ्त से लोगों को बाहर निकाले। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। मानव सेवा समिति द्वारा शहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जल ही जीवन है विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न शासकीय विद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्र छात्राओं द्वारा जल ही जीवन विषय को लेकर कैनवास पर सुंदर चित्र उकेरे गए। कार्यक्रम के संयोजक विजय उपल ने बताया कि उक्त प्रतियोगिताएं विवेकानंद जयंती माह के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 5 नवम्बर को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं आज 12 नवंबर को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 19 नवंबर को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मानव सेवा समिति के सदस्य संयोजक विजय उपल, हिम्मत सिंह रघुवंशी, हरीश गोयल, रंगेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री अजय नेगड़ीकर एवं महेंद्र रघुवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मानव सेवा समिति द्वारा विवेकानंद जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 5 तारीख को हमने उत्कृष्ट विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आज 12 तारीख को हमने चित्रकला का प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न शासकीय अशासकीय संस्थाओं के लगभग 50 से 60 बच्चे भाग ले रहे हैं। अगली प्रतियोगिता 19 नवम्बर को भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ बच्चों को चयन करके उनको पुरस्कृत करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अत्याचार और प्रताड़ना के मामले में आज नगरपालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में दिनों दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार और प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते आज नगर पालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। छोरा सरकार होश में आओ, रोकना होगा, रोकना होगा, अपराध रोकना
विधानसभाओं में और पूरे प्रदेश भर में 10 तारीख से लेके आज 12 तारीख तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों एवं उनके साथ रैप की घटनाएं, जो उनके यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं और गैंग रैप हो रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे मध्य प्रदेश के अंदर राजधानी में जब महिलाएं, बहनें और मामा की भांजियां सुरक्षित नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश में दूसरे गांव में और शहर में क्या हालात होंगे ये हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ सीपरी में भी एक घटना हुई है, गुना में भी, फतेहगढ़ में घटना हुई है, आए दिन इस शहर में भी पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी और महिलाएं और बच्चियों के साथ बेरहमी से घटनाएं, यौनाचार की घटनाएं और उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होने के बाद भी गुना में और अन्य प्रदेश के जिलों में जिस तरह से एक वाहन की तैनाती की गई थी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकलता था, वो भी बंद है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक जिले भर में किया जाएगा। इसी तारतम्य में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी तरह की शंका का समाधान करने हेतु सभी अभिभाषक गण तैयार रहे। इसी से ये अर्थ है कि आपका काम ही सामाजिक कल्याण। जैसे अभी दीपक शर्मा जी ने और जेपी भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको, बट बचपन बचाओ आंदोलन जो रिट थी कॉन्स्टेबल सत्यार्थी जी, तो काम आप धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जब आपका कार्य एक शिखर पर पहुंचेगा तो निश्चित ही आपका नाम भी होगा। अब रही बात सेवा भावना से, आप किस उसमें लाइन में ये है कि जो काम करेंगे वो पूर्णतः सेवा भाव और निष्ठा के साथ करेंगे और किसी प्रतिफल की मांग नहीं करेंगे। आप हमारे यहाँ जब वॉलंटियर आते हैं, स्वैच्छिक रूप से आते हैं, तो आप ये मनसा लेके ना आए कि यहाँ से कोई पैसा आपको मिलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे की व्यवस्था नहीं है, पैसा हमारे यहाँ पीएलपी को मिलता है, 500 रुपये पर डे मिलता है। पहले 250 रुपये पर डे था, 4 दिन तक मिलता था, अब 500 रुपये मिलता है, मैक्सिमम 10 दिन तक उसको इंक्रीज है। ये वे व्यक्ति होते हैं जो न्यायालय में कार्य नहीं करते, न्यायालय से बाहर रहकर न्यायालय की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं और न्यायालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए या कराने के लिए उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय तक लाने का कार्य करते हैं, ताकि उनको उनकी जो समस्या है उनका यथानुकूल समापन किया जा सके। और उसी लिए जो PLVs हैं वो यहाँ हमारे ऑफिस की रीड है, वो क्योंकि गांव से लगभग समाज में काम कर रहे हैं तो समाज से डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट है, प्राप्त होती है जो उस अपराधी का मामला उस न्यायालय के समक्ष लड़ सकता है। क्योंकि न्यायालय का और कानून की मंशा क्या होती है, न्यायालय में जब कोई व्यक्ति जाता है तो प्रथम दृष्टया न्यायालय सबको समान दृष्टि से देखता है। न्यायालय की दृष्टि में वो व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता जब तक कि उसका दोष न्यायालय में सिद्ध नहीं कर दिया। तो जब न्यायालय के समक्ष दोनों व्यक्ति गए, चाहे वो अपराधी हो चाहे पीड़ित, न्यायालय के लिए दोनों ही समान है और न्यायालय उन दोनों को अपनी अपनी रक्षा करने का बराबर मौका देता है। तो अपराधी के लिए विधिक सहायता आपको विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती है। अब दूसरा पक्ष आता है जो अपराध से पीड़ित है। मान लीजिए किसी की मारपीट हुई, किसी व्यक्ति ने किसी को चांटे मारे, खून निकल आया, तो उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दी, जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको न्यायालय में जाके पेश कर दिया, तो वो तो अपना वकील करेगा, नहीं करेगा तो विधिक सेवा प्राधिकरण आपको वकील दे देगा। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गुना के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी कनेक्टिंग टू सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत इस विधिक सेवा शिविर में सम्मिलित हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को राष्ट्रव्यापी कनेक्टिंग मतलब सभी को एक दूसरे से जोड़ने का है और उसी के तारतम्य में ये शिविर आयोजित किया गया है। संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज संजय लीला भंसाली का पुतला दहन जयस्तंभ चौराहे पर किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रानी पद्मावती हिंदुओं की शान थी और उनकी जीवनी के साथ छेड़छाड़ इस फिल्म के माध्यम से की गई है।
इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वह सब रानी पद्मावती के जीवन से मेल नहीं खाता, इसलिए आज संजय लीला भंसाली का पुतला दहन स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर किया गया। संजय लीला भंसाली ने जो वीरांगना, हिंदू वीरांगना रानी पद्मावती, जो हमारी वीरांगना थी, हिंदू समाज की नाक थी, उनके ऊपर जो फिल्म बनाई है उसमें उसने इतिहास से छेड़छाड़ की है। पूरी कहानी गलत तरीके से पेश की गई है। हम यहाँ के प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से निवेदन कर रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गुना के, ये फिल्म यहाँ पे इस नगर में लगनी नहीं चाहिए, गुना नगर के किसी भी टॉकीज में, और अगर लगी तो विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करेगा। सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ी तो सड़क पे उतरेगा, और चक्का जाम करने की जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करेगा, लेकिन जब फिल्म इस टॉकीज में यहाँ पे चलेगी नहीं, क्योंकि हिंदू समाज का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता। जिला कांग्रेस ने आज स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर पटाखे फोड़कर एवं मिठाई खिलाकर मनाई चित्रकूट में जीत की खुशी। जिला अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने बताया कि चित्रकूट में शुरुआत कांग्रेस की जीत से हुई है, जो अब हर उपचुनाव में चुनाव के माध्यम से देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक उपचुनाव में केवल 100 या 500 मतों से ही जीत हार का फैसला होता था, पर चित्रकूट की जनता ने कांग्रेस को 14,000 से ज्यादा वोटों से विजय दिलाकर यह बता दिया कि अब कांग्रेस का परचम हर चुनाव में इसी तरह से लहराया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अटेर के बाद आज मध्य प्रदेश की चित्रकूट की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेके भारतीय जनता पार्टी की किसान, महिला, आम नागरिक, व्यापारी, मजदूर, इन सबकी विरोधी नीतियों पे जो चल रहे थे उसके खिलाफ जो जनादेश दिया है उससे कांग्रेस जन और हम लोग महसूस करते हैं कांग्रेस जन से ज़्यादा आम जनता के मन में हार्दिक प्रसन्नता व्याप्त है। आमतौर पे उपचुनाव में हार जीत 2,000-5,000 वोटों के अंदर भी हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 15,000 वोटों के हार जीत के जो संकेत अभी तक की मतगणना में साफ दिखाई दे रहे हैं उससे स्पष्ट है कि देश के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी से भारी तौर पर असंतुष्ट है, क्योंकि इतना बड़ा उपचुनाव में मतांतर और वो भी सत्ता के खिलाफ, इस बात का द्योतक है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है।
रूस की क्रांति के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डीएसओ ने रैली बनाकर शहर के मुख्य मार्गों से निकाली एवं संगोष्ठी का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया। डीएसओ नेता लोकेश की माने तो आज भारत देश को भी समाजवादी क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लेनिन और मार्क्सवाद की विचारधारा पर ही इस देश को सही ढंग से चलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से समाजवाद की खिलावत करने वाले लोगों को रूस ने दबाने की कोशिश भी की, लेकिन इस पर वे सफल नहीं हो पाए। दुनिया की पहली मेहनत कशों की क्रांति जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, क्रांति के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज शहर के प्रमुख मार्गों से हम उसका जश्न मनाते हुए कि भारत के अंदर भी इस क्रांति की जरूरत है वो रैली निकाल रहे हैं। आज ये उद्देश्य भी है कि समाजवाद भारत के अंदर भी जरूरत है, लेकिन ये कन्फ्यूजन पैदा किया गया कि समाजवादी विचार ढह गया, रूस ढह गया, चीन ढह गया। समाजवादी विचार आज भी जिंदा है। समाजवादी विचार के साथ जो नहीं चल पाए उन्होंने रूस को ढहने का काम किया, लेकिन हमारा मानना है कि आज भी मार्क्स के विचारों पर, लेनिन के विचारों पर हम समाजवाद का निर्माण करेंगे। उसी का संकल्प लेते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से शहर के वरिष्ठ नागरिक प्रगतिशील लोग आज रैली बना के एक संगोष्ठी में जा रहे हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। आज पुरुष वर्ग में कबड्डी का मैच था जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। भाग लेने वाली टीमें हैं अशोकनगर, मुंगावली, पीजी कॉलेज गुना, दिव्यांश कॉलेज व राधोगढ़ महाविद्यालय तथा वीनगंज महाविद्यालय। पहले ये प्रतियोगिताएं दिसंबर माह में आयोजित की जानी थी, लेकिन परीक्षाओं के चलते इनको नवम्बर माह में करने का निर्णय किया गया, जिस वजह से आयोजकों को केवल 6 टीमों को ही इकट्ठा कर पाए। ये दिनांक आज महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता पुरुष का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर बी के तिवारी, हरवीर सिंह रघुवंशी। इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग ले रही हैं, अशोकनगर, मुगावली, पीजी कॉलेज गुना, दिव्यांश महाविद्यालय गुना, राघोगढ़ महाविद्यालय और बीनागंज महाविद्यालय। ये पूर्व में पहले दिसंबर में थी ये प्रतियोगिता, पर अभी प्री बॉन्ड होने के कारण 6 टीमें ही हम इकट्ठी कर पाए इसमें। ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरेंद्र सिंह नरवरिया। वहीं ग्राम पंचायत मुहाल कॉलोनी में सीसी रोड, जो कि भीमराव के मकान से शासकीय स्कूल तक बनाई जा रही थी, उसका भी निरीक्षण किया गया, जिसमें घटिया स्तर का काम करना पाया गया, जिसे लेकर ग्राम सचिव विजय धाकड़ को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सरपंच श्रीमती मुन्नी धाकड़, पत्नी मदनलाल धाकड़ के विरुद्ध भी सरपंच पद से हटाने हेतु धारा 40 के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही जो राशि उन्होंने निकाली थी उसको वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्माण कार्य की लागत लगभग 8,70,000 रुपए थी। माल कॉलोनी में आज एक्चुअली जिला सीओ सर नरवरिया सर और चौहान सर जो SBM प्रभारी हैं वो और मैं ग्रामीणों को शौचालय के संबंध में समझाने के लिए वहाँ गए थे हम लोग जागरूकता के लिए। तो उस समय कुछ कार्यों का भी निरीक्षण किया गया जिला पंचायत सीओ महोदय के द्वारा और इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर श्रीवास्तव द्वारा। तो वहाँ एक सीसी रोड जो है वो काफ़ी घटिया स्तर की पाई गई, जिसके रिजेक्शन की रिपोर्ट दी है इंजीनियर ने और लगभग 4,00,000 के आसपास उसमें वसूली का प्रकरण बनाया है, जिसके लिए सरपंच को 4,00,000 के आसपास की वसूली का नोटिस दिया गया है। और
ये कार्रवाई जिला पंचायत के लिए प्रस्तावित की गई है, धारा 40 और 92 की कार्रवाई के लिए। सेक्रेटरी निलंबन की, हाँ सेक्रेटरी के निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। पुरानी वसूली का आज कैंप लगाया गया था, तो जो भी है तो अगर वसूली जिसने जमा कर दी है उसके ऊपर से प्रकरण हटा लिए जाएंगे धारा 92 के, और जिसने नहीं की है उनसे वसूली की जाएगी, उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे कितने हितग्राही होंगे सर? ये हमारे यहाँ लगभग 12 वसूली प्रकरण आ जाए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज भाला फेंक, 100 मीटर रिले रेस, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उत्सव में मनाया जा रहा है, और इसमें हमने 100 मीटर, 200 मीटर और भाला फेंक और गोला फेंक स्त्री और पुरुष दोनों की प्रतियोगिता कराई है। बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा और काफ़ी बच्चे आए, काफ़ी लड़कियां आईं और काफ़ी लड़के भी इसमें आए, और इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार भी देंगे, और ये हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर 12 महीने चलती रहती है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम किशन सिंह ठाकुर, और इसके पुरस्कार वितरण भी हम 30 तारीख को करेंगे, समापन जो हमारा समारोह होगा उसमें। ठीक है। आज़ाद अध्यापक संघ की बैठक का हुआ आयोजन आज़ाद अध्यापक संघ की कार्यकारिणी के गठन को लेकर किया गया, साथ ही आगामी दिनों में क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से कार्य करना है इस पर भी विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन वाली बात को दोबारा से उन्होंने रिपीट की आदरणीय मैडम जी, बदौरिया मैडम जी ने, अभी भी 26 की बात है उसमें। जब आदरणीय CM साहब जनसंपर्क के माध्यम से या प्रेस नोट के माध्यम से हमें आमंत्रण देते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर का जो है और संघों से वार्ता है, कोई अध्यापकों से वार्ता नहीं है। अगर हम लोग वहाँ भोपाल पहुँचते भी हैं तो आज आज़ाद अध्यापक संघ की जिला गुना की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो रहा है, और साथ में जो है हम आगे की आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं। दो ही काम है, एक तो क्या है कि हमारा आज़ाद अध्यापक संघ की जिला कार्यकारिणी का पहली कार्यकारिणी का काल पूर्ण हो चुका है, कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो पुनः हम जो है ना चल्लेश श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और उन्हीं के साथ में हम पूरी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। साथ में हमारा जो मांग है, जो शेष मांग है, शिक्षा विभाग में सम्मिलन, 7वां वेतनमान, 6वां वेतनमान की विसंगति को दूर करना है, इसको लेके आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करें। क्या नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव, प्रांत महासचिव आज़ाद अध्यापक संघ। आरोन नगर में मेघनाथ संवाद का मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामलीला की आरती भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने की, साथ ही रामलीला में चल रहे अहिरावण वध एवं अन्य संवादों का भी आनंद लिया गया। इस अवसर पर उनके साथ जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रघुवंशी, व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रघुराज साहू, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल भार्गव, मंडल महामंत्री पहलवान सिंह रघुवंशी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री KK पठान, शिशुपाल सिंह रघुवंशी, श्रवण जैन, राम गोपाल साहू, शिक्षक प्रमोद चित्रांश मौजूद रहे। Thank you.
सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम के तहत 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलने वाले आयोजन में 11 नवंबर को झांझन गांव में अमरपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी गई। इसमें न्यायाधीश सुशीला वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी सहित अधिकारी कर्मचारी सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। और हम आपको बहुत सी बातें जानते हुए भी चाहते हुए भी नहीं बता पाते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा एक गाइडलाइन दी गई कि न्यायालय गांवों में जाए, लोगों को उनके हितों के बारे में जानकारी दे, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता बहुत कम है, खासकर ग्रामीण जनता। उन्हें साधारण शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, कानून की जानकारी तो बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए एक निश्चित शिक्षा के बाद लोग कानून के संबंध में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। कनेक्टिविटी सर, ये जो हमारा अभियान चल रहा है ये पूरे देश में चल रहा है और इसमें सभी जगह न्यायालय के जो अधिकारीगण हैं, अधिवक्तागण हैं भाग ले रहे हैं और आप लोगों को जाकर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा के वक्त के न्यायालय में जब आपका केस दायर होता है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते हैं। अधिवक्ता अपनी हैसियत और अपनी इच्छा के अनुसार आपको जानकारी देते हैं, लेकिन जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय के बैनर एक प्राधिकरण बनाया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि सभी को न्याय की जानकारी। भारतीय संविधान के 39 के अंतर्गत ये नियम है कि लोकतंत्र में भारत के जो भी नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, SC/ST के हैं, महिला हैं, बालक हैं या निःसक्त हैं, अपाहिज हैं, इन सभी को समान न्याय मिलने का अधिकार है। कोई व्यक्ति आर्थिक कमी के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए, आर्थिक मजबूरी से न्याय पाने से वंचित न रह जाए, इसकी जानकारी देने के लिए हमें गांव में आप लोगों के बीच में गुना तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ का बकाया चुकाने के लिए दिए उन्होंने कुर्की के नोटिस। मेडिकल कॉलेज, होटल संचालकों सहित 150 लोगों को दिए गए नोटिस। नोटिस पाने वालों में शहर की कई नामी ग्रामीण हस्तियां शामिल हैं, जिनके नाम लाखों रुपए का डायवर्सन शुल्क बाकी है। चालानी कार्रवाई और कुर्की के नोटिस निकाले, तो क्या है पूरा मामला और क्या होने वाला है इसके आगे? हमारी गुना तहसील में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की डायवर्सन की वसूली अभी होना है, जो हमें बकायादारों से लेना है। उसमें करीब 300 बड़े बकायादार हमने छांटे हैं, तो आज हमने उनको, मतलब आज नहीं, 2 दिन पहले नोटिस सर्व कराया है उनको, तो करीब 10 दिन का टाइम दिया है। यदि वो नोटिस के बाद राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी जमीन संपत्ति आदि कुर करके नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ बड़े बकायादार हैं, जैसे केस वाइल है, 1.25 करोड़ का बकायादार है वो, और प्रमोद सोनी हैं, 14 लाख के हैं, साक्षी हॉ क्या है, इनका हॉस्पिटल है या कॉलेज जो भी है, तो 18 लाख करीब उन पर है। ऐसे कई लोग हैं, कुछ लोगों ने कानूनी सहारा लेकर अभी थोड़ा दायें बाएं हुए हैं, जैसे कि शांति पब्लिक स्कूल या वो शगुन गार्डन वाले हैं बाधवा, और योगेश विजयवर्गीय 19 लाख उन पर भी है, तो उन्होंने स्टे ले रखा है राजस्व मंडल से, तो इनको अभी हम छोड़ रहे हैं, इनका निराकरण के बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। डीजी आना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।